हेलो चिल्ड्रेन, आज हम स्टार्ट करेंगे वाउल साउंड यू के बारे में। पहले क्लास में हमने ए ई आई ओ के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, वाउल साउंड यू के बारे में पढ़ेंगे। मुझे बताओ यू का शॉर्ट वाउल साउंड क्या है? पहले क्लास में मैंने बताया था, अब बोलो यू का शॉर्ट वाउल साउंड क्या है? अ क्या है? अ। देखो यू से अम्ब्रेला, यहां पर देखो यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखो कौन सा साउंड आ रहा है? अम्ब्रेला। यहां से यू का साउंड अ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नहीं? अम्ब्रेला, अंपायर। देखो अंपायर कौन सा साउंड आ रहा है? पहले बताओ यू से अ का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नहीं? अ अंपायर, यू से अम्ब्रेला अंपायर। समझ में आया? अब हम देखेंगे पेज नंबर 14
हम देखेंगे यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया गया है हमको क्या करना है, इसको करना है। चलो, द बॉग इज ऑन द डैश। इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर एक बग है, एक चार एक रॉक के ऊपर एक बग है। बग के मीन बग मीन्स एक इंसेक्ट, रॉक मीन्स एक चादर, एक चादर के ऊपर एक बग बैठा है। देखो, द बॉग इज ऑन द रग। यहाँ पर आपको लिखना है रग, आर यू जी रग। नीचे देखो, द मैन हैज ए डैश। देखो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, द मैन हैज ए डैश। वो क्या पकड़ा है, गन। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्या लिखना होगा, द मैन हैज ए गन, जी यू ए गन। नेक्स्ट, द हेड इज इन द डैश। यहाँ पर इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर एक हेड दिखाया है ना, वो कहाँ पर है, द हेड इज इन द डैश। यहाँ पर टॉप और हार्ट दिखाए, वो कहाँ पर है, वो उसका कुड़िया पे है, कुड़िया को हार्ट बोलते हैं, एच यू टी। तो द हेड इज इन द हार्ट, एच यू टी। ही हैज ए बिग, यहाँ पर देखो एक लड़का खड़ा है, ही हैज ए बिग डैश। उसके हाथ में क्या है, बोलो जॉग और मग क्या है, उसके हाथ में मग है, ही हैज ए बिग मग, एल यू जी मग। इसको क्या करना है, आपके बुक में ये जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर किया, आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड को चूज करके यहाँ पर मैंने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपके बुक में करना है। और ये जो वर्ड्स है, हाईलाइट वाला वर्ड्स है, उनको लाउडली पढ़ना है। बाय बाय।